गंगा और यमुना के जलस्तर में बुधवार को दिन में गिरावट दर्ज की गई। इससे निचले इलाके में बसे लोगों ने थोड़ी राहत जरूर महसूस की, लेकिन बाढ़ का खतरा टला नहीं है। मध्य प्रदेश से आने वाली नदियां उफान पर है, इससे यमुना नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी की संभावना है। वहीं अलग अलग स्थानों से गंगा नदी में भी 3.5 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया है। इससे गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। इसका प्रभाव शाम को दिखने भी लगा था। रात 8 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार गंगा के जलस्तर में छतनाग में प्रति घंटा 3 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ोतरी शुरू हो गई थी। वहीं यमुना के जलस्तर में कमी की रफ्तार भी धीमी हो गई थी। सिंचाई विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार दिन में दोनों नदियों के जलस्तर में प्रति घंटा 4 सेंटीमीटर की कमी दर्ज की गई। हालांकि ये क्रम सिर्फ शाम तक चला। इससे निचले इलाकों में घुसा पानी वापस होने लगा, लेकिन दोनों नदियों में पीछे अधिक मात्रा में पानी छोड़ा गया है। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश जारी है। वहां की नदियों में लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जो यमुना नदी में मिल रही है। केन, बेतवा, चंबल में तेज बहाव का असर यहां भी यमुना में बृहस्पतिवार को दिखने की बात कही जा रही है। सिंचाई बाढ़ खंड के अधिशासी अभियंता ब्रिजेश कुमार सिंह का कहना है कि शाम से यमुना में पानी बढ़ने लगा है। हालांकि इसका प्रभाव बुधवार शाम को ही दिखने लगा था और जलस्तर में गिरावट मात्र 2 सेंटीमीटर प्रति घंटा रह गई है। इसके अलावा सुबह 8 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार गंगा में हरिद्वार, नरौरा, कानपुर बैराज से 3.5 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया है। इसमें कानपुर बैराज से ही 2.59 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसका सीधा प्रभाव यहां पड़ेगा। इसका परिणाम शाम को दिखने लगा था। छतनाग में गंगा का जलस्तर 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। वहीं फाफामऊ में गंगा